मसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। बिहार के गया जिले में चौंकाने वाला बात सामने आया है। नैली पंचायत में एक महादलितों की बस्ती है। पिछले एक साल में उस बस्ती में रहने वाले सभी ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मसीहों के द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में लोग जाने लगे और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने मसीह को अपना लिया है। उनका कहना है कि हम और हमारे परिवार में कई लोग बीमारियों से ग्रसित थे। मसीह पासवानव द्वारा प्रार्थना करके दिया गया पानी पीकर हमारे बीमारी चंगे हुए और परिवार में शांति आई। अब यह मामला सामने आने के बाद वहाँ के हिंदू संगठनों ने जांच की मांग की है। रविवार को यहाँ पर प्रार्थना सभा आयोजित किया जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। शुरुआत में एक जन ने विश्वास किया और उनके विश्वास को देखकर और लोग विश्वास में बढ़ते चले गए। जो भगत थे, ओझा गुनी थे, वो 40,000 रुपया मांग रहे थे आपके बच्चे के इलाज के लिए और अच्छी करने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया ओझा गुनी मांग रहे थे, लेकिन जब आप प्रार्थना की ईसाई धर्म में गई तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो, उसके दो आसम बहुत अच्छा है। कैसे ठीक हुआ, कहाँ इलाज हुआ? कहूँ नहीं इलाज हुआ, फिर पास्टर कहा कि क्यों रो रहा छोटू से। इलाज कहाँ हुआ, कोई प्रार्थना हुई, कुछ तो हुआ? हाँ, तो वही से प्रार्थना किया, डेली से प्रार्थना किया कि लाओ, मैं तो अथी है, चर्च में है, मैं पास्टर है, तो मैं यहाँ प्रार्थना करके देखते हैं, अगर इन लोग सही होगा तो हम जानेंगे कि सही होगा। अच्छा, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया और आप यहाँ थी गया में? गया में घर पर थी, अपने घर पर बिस्तर पर सुतल थे। और उसकी प्रार्थना का असर हुआ आपको? असर हो गया, असर हो गया, खाना बनाने लगे, तुरंत प्रार्थना किया, खाना होना बनाने लगे, बाल बच्चा के भी देखने लगे, घर मकान भी देखने। खर्च भी नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं? कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा भी नहीं आज तक। और भी मसीह न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे, सबको जय मसीह।